लंबूची लंबूची, हाँ जी छोटू जी, सही। तो आज हम लंबू छोटू की जोड़ी यहाँ पे आपके लिए स्पेशल लेके आए, एक स्वाद का खजाना, और उसका नाम है करीनामा। सही, तो हम करीनामा खाना खाने आए हैं। हमने सुना है कि अच्छा है, पर हम खुद नहीं ट्राई करेंगे तो आपको कैसे बताएंगे। सो आज हम ट्राई करेंगे वो खाना करीनामा का, और आपको बताएंगे कैसा है। मैं आपको बता दूं, इनका खाना वैसे तो बहुत स्वादिष्ट होता है, बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ सेवन सीज ग्रुप, राइट? यस। सो बताओ इनके करीनामा का है क्या क्या वैसे? अरे इनके बैंक्वेट्स भी हैं और अपना होटल भी है। सही है, तो इनके बैंक्वेट्स भी है, होटल भी है, केटरिंग भी करते हैं। और मैं आपको बताता हूँ, 2004 में जब मेरी रिंग सेरेमनी हुई थी वो इन्हीं के बैंक्वेट में हुई थी, रिंग रोड रजौरी गार्डन में, मेन रोड पे होता था सेवन सीज। यस, सो वी आर एट द सेवन सीज ग्रुप का जो होटल है वहां पर है, और आज हम करीनामा का खाना खाने हैं। और इसमें एक डिश है बहुत ही बढ़िया, विच आई एम वेटिंग, एंड वो वेज डिश है। सो इसका नाम है तह पे तह पनीर। क्या बात है, लेयर्स लगी हुई है। और आपको कौन सी डिश आपने देखे मेन्यू में? आई एम एक्साइटेड टू ट्राई ककोरी कबाब टाकोस। सही है, तो एक काम करें, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, खाना खाने शुरू करते हैं। तो पैर के दो बज चुके हैं, मुझे भूख बहुत जोर लगी है, आपको क्या भूख लगी है जोर से? मैंने तो बोल दिया यस, मुझे बहुत भूख लगी है। हम चलते हैं खाना खाने, और आपके सामने है ये जोड़ी जिसमें है, बोलो हम कौन है? हम कौन है आप बताइए? लंबू जी, लंबू जी। हाँ जी छोटू जी। सही, सही उड़ा, आ जाओ। लंबू जी, लंबू जी, बोलो टिंगू जी। लंबू जी, लंबू जी, बोलो टिंगू जी। जी, सो एक काम करते हैं, अपना शेफ सुरिंदर हमें कह रहे हैं इनको बढ़िया बढ़िया खाना बनाना आता है, और ये बढ़िया बढ़िया खाना खिलाते हैं करीनामा में। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। हाँ जी। अच्छा खाना खा के तो मोटा हर कोई हो जाता है जी। हाँ। क्या कोई इनकी जैसा लंबा हो सकता है खाना खा के? आप कुछ ऐसी जड़ी बूटी डालो खाने में कि हम लंबे हो जाएं ऐसे? सर ये नुस्खा तो हमारे पास नहीं, लेकिन हम वो खाना आपको खिला सकते हैं जिस खाने से जो कि मतलब बंदा हेल्दी रह सकता है, उसमें कोई मतलब किसी प्रकार कोई साइड इफेक्ट नहीं होता हमारे खाने से। सही है। सारा के बंदा उसमें जो है स्वस्थ रहता है, एक टाइम खाता है वो दोबारा भी उस खाने के ऑर्डर करता है, उसे उस खाने के लिए बार बार जो है ना उसे चॉइस करता है कि हम ये खाना खाएंगे। सुरेंद्र जी आप ना बहुत शायराना है, क्या आपको गाना गाना आता है? एक गाना सुना दीजिए मेरे खातिर। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए आता है? ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए और हमारे क्लाउड का खाना खाना चाहिए। तो एक काम कर दो, बोलो ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, करीनामा का खाना तो जरूर खाना चाहिए। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए और करीनामा का खाना बार बार खाना चाहिए। क्या बात है, देखो जी ऐसा कॉन्फिडेंस हो तो खाना पक्की बात है कि स्वाद होगा ही होगा, बिकॉज खाना सिर्फ हाथों से दिमाग से नहीं बनता, खाना यहाँ से बनता है। ओहो, ओहो, सही। देखो इनके दो हाथ ऐसे करो, मैं दो हाथ कर नहीं सकता बिकॉज मेरे हाथ पे लगा है फ्रैक्चर। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर योर विशेस, अपना जो आप भेजते रहते हैं कि जल्दी ठीक हो जाओ, जल्दी ठीक हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल हम खाना खाते हैं, खाना फ्रॉम करीनामा। तो जी सुरेंद्र भाई बिल्कुल रेडी है हमारे साथ बनाने के लिए और खिलाने के लिए, और इनको आप देख चुके हैं जादू अच्छा बिखेरते हैं। ये जो डिश ये बनाना सिखा रहे हैं बहुत ही आसान है जी सर, और ये ऐसी है कि आप घर में जिसको भी खिलाओगे वो कहेगा अरे वाह खाने का मजा आ गया, और स्टाइलिश भी है। सो इस डिश का जो नाम है वो है जी तह पे तह पनीर, जो आप देख रहे हो आसानी से बहुत ही बढ़िया सुंदर तरीके से लेयर्स और लगी हुए, और इसके अंदर लगे हुए हैं अलग अलग तरीके के मसाले जो हमें बताएंगे सुरेंद्र जी, और आपको बना के दिखाएंगे। और जब नेक्स्ट टाइम आपके रिश्तेदार आपके घर पे आए तो उनको बताइएगा अरे वाह ये हमने बनाया, कहाँ पे सीखा? करीनामा के शेफ से। सर तो क्या कर रहे हैं, क्या क्या चाहिए हमें? ये आप देखोगे सामान हमारा सारा रेडी है, ये पनीर की लेयर्स हैं जो एक्चुअली लग रहा है कि सलामी होती है ना, वड्डी वाली सलामी, सलामी लग रही है, और साथ में चटनियां हैं। और अब जाता है डिपार्टमेंट सुरेंद्र जी को। जी सर। हाँ सर, ये इसके लिए सारा सामान है जो कि मैंने इसके अंदर जो सारा सामान मिला रखा है, इसमें अपना पालक है, चीज है, ग्रीन चिली,
ऑर्डर कीजिएगा, खुद भी खाइएगा, अपने दोस्तों को भी खिलाइएगा। सही शेफ साहब? यस सर, बिल्कुल सही। तो ब्रेड क्रम लगा दिया थोड़ा सा अपना हमने करारेपन के लिए, करारेपन के लिए, और इसे हॉट प्लेट पे हम सेकेंगे या सेलो पैन पे कर सकते हैं, नॉन स्टिक पैन में भी कर सकते हैं इसे, और इसके बाद जो है ना इसे सर्व करेंगे। आजा सनम, खाना आ गया जी हमारा, और एक काम करते हैं मैं उठाता हूँ ये बड़े वाला। सही, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी। आपका नाम है? थैंक यू निशा जी, बहुत शुक्रिया। तो जी हमारा बिल्कुल बिल्कुल, साथ में खुशबू बढ़िया सी आ रही है, तो एक काम करते हैं सीधा खाना खाना शुरू करते हैं फ्रॉम करीनामा। आई कांट वेट। यस, चलो जी आ जाओ और हम यहाँ पे बैठ के खाएंगे अपना खाना फ्रॉम द करीनामा। सही जी, तो हम करीनामा खाना खाने के तैयार है। मेरा है बर्थडे वाला बॉक्स, मेरा आपके फेवरेट वाला तहे पे तहे। ओ नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये तो गड़बड़ नहीं थी। एक काम करें, हम दोनों क्या करते हैं, यू नो अपना, दिस इज द मंथ ऑफ लव, दिस इज द मंथ ऑफ यू नो फेब्रुअरी, सो इसमें मिल बांट के खाते हैं, शेयरिंग इज केयरिंग। सही कहा जी। सो एक काम करते हैं, लेट मी जस्ट टेल यू इस बॉक्स में क्या क्या है। सो इस बॉक्स में है आपका, ये है कटलरी सेट, जिसके अंदर कटलरी होगी और जिसके अंदर होंगे अपना टिश्यू पेपर वगैरह, और लिखा है बाहर कांटे नहीं कांटे, कांटे नहीं काटे नहीं कटे कांटे, और कुछ समझ गए ना आप क्या कहना चाहते हैं, कांटे नहीं कटते कांटे, काटे नहीं कटते दिन ये रात, कहनी थी मुझसे तुमसे बात, जो आज मैं कहता हूँ मिस्टर टिको फैमिली आई लव यू। जस्ट इमेजिन आई एम श्रीदेवी इन अ ब्लू साड़ी एंड बारिश की बरसात हो रही है, बट मैं आपसे तब भी प्यार करता हूँ। उसके अलावा क्या है, अच्छा टिश्यू तो अलग पड़ा हुआ था, और क्या है इसके अंदर अपना, पहले तो खाने पर नजर मारे, ये है हमारे मर्द पिशोरी छोले, है ना, पेशावरी, ये है पेशावरी छोले। तो आपको पता होगा मैं भी पेशावर से हूँ, तो मैंने डिश जानबूझ के चूज किया, बिकॉज आई एम पेशावरी एंड द फूड इज पेशावरी टू। और इसके अंदर क्या है बाबा जी, इसके अंदर है दाल सेवन सीज, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है दम का मुर्ग। सही, और जी इसमें है, अच्छा स्पेशल मैसेज है, डियर मिस्टर टिकू थैंक यू, दिस इज योर प्यार भरा गर्मा गर्म खाना फ्रॉम सेवन सीज किचन। तो आपको बता चुका हूँ सेवन सीज किचन, सेवन सीज केटरिंग, सेवन सीज बेनिफिट का क्या लिंक है, और अपना लिखा है भूख तो है एक बहाना, खाना था करीनामा। क्या बात है, मतलब हमने यहाँ पे तभी, हम जैसे ही आए हमारे अंदर एक शायराना अंदाज आ गया, आई थिंक यही कहानी है, क्योंकि ये शायराना है, भूख तो था एक बहाना, खाना था करीनामा। और बताएं क्या है इसके अंदर, है प्याज विच कम इन अ शीशी। तो अगर आपने देखा हो अभी तक प्लास्टिक की कोई यूसेज मुझे दिखाई नहीं दी है, और वाह सिरके वाले प्याज और हरी चटनी, ऐसा लग रहा है जैसे कोई अपना राजा का कोई महल हो वीर ज़ारा मूवी से। और लिखा है यहाँ पे प्यार भरा, आप खुद पढ़ लीजिए, बिकॉज मैं अगर मूव करूँगा तो पढ़ नहीं पाऊंगा, क्या लिखा है, हाँ जी यही लिखा है, प्यार भरा गर्मा गर्म खाना। सो ये काम करते हैं, ये हमारा खत्म हो चुका है। आप बताओ आपके वाले में क्या क्या है। We have candies, complimentary candies. तुम्हें पता है इसके अंदर candies है? Yes, मतलब yes, ये बहुत yes. नहीं, क्योंकि ये, मैं खा चुकी हूँ। हाँ, ये गलत बात है। हम मेरे को नहीं पता उसमें क्या है, हमारे ऑडियंस को नहीं पता, आपको पता ना इसके अंदर क्या है। Do you know क्या है? It's in my pocket also. सही. So अपना, you know, this goes with every order, जिसके अंदर अपना प्यारी प्यारी पुरानी बचपन वाली candies हैं. And they say thank you for letting us serve you. और क्या है? We have तहे पे तहे पनीर टिक्का, your favorite. खोल के दिखाइए ना. Okay. आह, तहे पे तहे पनीर टिक्का, सबसे पहले तो मैं यही खाऊंगा. और क्या है? और भी दिखा दीजिए. So we have कारसंगरी कबाब टाको, जो मैंने ट्राई करना था. और जो मैं खा के आया हूँ, केसांगरी टाकोस, वाह दिस लुक्स रियली रियली वेरी गुड। और क्या है जी हमारे पास? चारों खा सकती हूँ, नहीं चार, हाँ
सारी खा सकती हो। सही, तभी तुम इतनी लंबी हो। अभी हमें पता नहीं चला लंबे होने का राज क्या है। एंड यस, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट्री डिजर्ट फॉर अस, व्हिच इज लाइक हर एक डिलीवरी के साथ ये सारे कस्टमर्स को प्यार भरा डिजर्ट दे रहे हैं, दिस मंथ ओनली बाय द वे। सही, सो यू नो व्हाट एवर यू विल बी ऑर्डरिंग, इफ यू ऑर्डर डायरेक्ट फ्रॉम अपना देयर, इफ यू ऑर्डर डायरेक्टली फ्रॉम करीनामा यू गेट अ कॉम्प्लीमेंट्री डेजर्ट विद एवरी ऑर्डर। एंड उसके अंदर अपना मैंने देखा कभी अपना रोज वाली खीर दे रहे हैं आजकल वैलेंटाइंस पे, उससे पहले ये दे रहे थे अपना कुछ बाकी चीज़ें। और ये है क्या, ये लग रही है फिरनी, चम्मच इसको खोलो पहले हम यही खाएंगे। मीठे से शुरुआत जी, खोलो। हाँ जी, जो कहता है लाइफ इज शॉर्ट स्टार्ट फ्रॉम डेजर्ट। यस, कैन आई टेक द फर्स्ट बाइट? यस यस प्लीज। सही, सो कैमरामैन सिमरन ये देखिए, थोड़ा आगे लेके जाओ, कैमरामैन सिमरन को दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, कैमरा वुमेन सिमरन, सॉरी, ये लीजिए। ओ भाई साहब, ये तो फिरनी है। ओ ये, ओहो, आप खा लो वरना मैं खा जाऊंगी। ये लड़ी, मैं मंत्रमुग्ध हो गया, इतनी प्यारी फिरनी, मतलब दानेदार, राइट टेम्परेचर, मीठा कुछ फालतू नहीं है, केसर का स्वाद इतना बढ़िया आ रहा है। एंड यू नो यू योर फिल्म उसके रिचनेस है ना, लव्ड इट, डोंट टॉक द स्वीट, आई नो। अब खा दे खाना, मैम खोल देंगे आप इसको प्लीज। Yes. देखो वैसे तो अपना क्या है कि फोन मैं नहीं सकता हूँ, लेकिन क्या है ना कि यू नो हाथ पे लगी हुई है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहाना भी जरूरी है। ओके, आराम से खोलिए इसको, प्यार से खोलिएगा, नजाकत से खोलिएगा। तो ये है हमारा दम का मुर्ग। यस, सो ये है जी हमारा दम का मुर्ग। कैन यू सी द ग्रेवी? ओ भाई साहब, मतलब सुपर रिच ग्रेवी है। बाकी खा के आपको बताता हूँ मैं कैसा है। दूसरा खोल के देखें जी। यस यस यस, ये है जी दाल मखनी। वैसे इसका नाम ही दाल सेवन सीज कहते हैं, बिकॉज इनके जो बेनिफिट्स और केटरिंग है उसके अंदर इनकी जो दाल मखनी है वो काफी 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 ज्यादा मशहूर है। In all senses. Yes. जी. Wow. So ये है जी दाल मखनी। Oh, मन नहीं कर रहा था। Oh, भाई साहब, आप देख सकते हो क्या गाड़ी और अपना बढ़िया तरीके से दाल मखनी है। और ये आ गए जी पिशोरी छोले। अब देखें जरा, हमने पिंडी छोले तो बहुत सुने लेकिन पिशोरी छोले मैंने ज्यादा नहीं सुने, सो लेट वी नीड टू चेक ये पिशोरी छोले का जो स्वाद है वो है कैसा। कुछ भी मैं भी लेके देखूंगी किसी। या दिस इज गुड, दिस इज वेरी गुड। आई मतलब मुझे ऐसा लग रहा जैसे मैं अपना करोल बाग शिफ्ट हो गया जहां मैं 20 साल पहले रहता था, और वहां पे जिस टाइप का खाना मिलता रहा, उस जमाने की बात कर रहा हूं, मैं उस करोल बाग की बात नहीं कर रहा। आई थिंक वो सारे के सारे जो हाथ के पीसे हुए मसाले हैं वो आराम से स्लो कुकिंग वाला प्रोसेस है, उस तरीके से पूरा खाना बना हुआ है। अब हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम खाएंगे 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 और खाएंगे। सही जी, सो पहले तो मैं सुपर एक्साइटेड टू हैव दिस तह पे तहर वाला पनीर टिक्का। मतलब दिस लुक्स लाइक गुड, बर्गर भी लगता है, पिज्जा भी लगता है, बट एक्चुअली ये पनीर टिक्का है। मैं पहले खा के देख लूं ये कैसा है। दिस अनलाइक एनी पनीर टिक्का आई हैव एवर हैड। स्वाद इसमें कई तरीके का आ रहा है, ऑब्वियसली नो पनीर का जो क्रंच आ रहा है, नो ब्रेड क्रम्स लगाए थे उसका स्वाद आ रहा है, बट दिस इज अ नोवेल्टी आइटम ऑल टुगेदर। सो इफ यू लाइक पनीर टिक्का, यू लव ईटिंग पनीर टिक्का, तो अपना आई थिंक आई यू शुड ऑर्डर दिस। और मैं खाता हूँ और इसके बाद अगली डिश पे आता हूँ। एंड आई एम ट्राइंग दिस ककोरी कबाब, कर संगरी ककोरी कबाब, केर सांगरी टैकोस। मतलब देखो ये लड़की खाने में इतनी बिजी हो गई इसको ये नहीं पता कि नाम क्या है। दिस इज कॉल्ड केर सांगरी टैकोस, गलौटी के भी अपना यू नो ककोरी कबाब वाले हैं। हमारे नॉनवेज वाले हैं, हम नॉनवेज लवर हैं। स्वाद बताओ, स्वाद कैसा है? कमाल कमाल बेमिसाल।
अब एक बात और, डू यू वॉन्ट की अपना आगे वाली वीडियोस में मिस्टर टिकू वीडियोस में यू वॉन्ट पवनीत कौर सचदेवा जी अपना एज पार्ट ऑफ इट, मतलब क्या आप चाहते हैं कि ये लंबू छोटू की जोड़ी अपना और भी वीडियोस में, अगर यस तो प्लीज आप लिख दीजिएगा अपना और हम अपना कोशिश करेंगे, अगर आपने कहा आए तो जरूर आए, अगर आप कहते नहीं आए इसको मत लेके आओ बोर करती है तो मैं नहीं लेके आऊंगा, बिल्कुल नहीं लेके आऊंगा, ऐसे बोलो, देखो दे आर द जज, उन्होंने जो बोला मैं वही करूंगा, नहीं बोल सकते आप क्यों बोल रहे हो इनके, मुझे सुन लो, मुझे आपकी फैमिली पे विश्वास है, ओ भाई साहब I also love my family. So, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो आप देख रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, because lots of twists, lots of turns, lots of good videos coming soon. We are growing every day, we are improving every day, and कोशिश सिर्फ ये है कि आपको मिले सिर्फ इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट यानी इंफोटेनमेंट एट मिस्टर टिकू चैनल. सो अपना कीप गिविंग योर फीडबैक और खाना खाना शुरू करते हैं, बहुत भूख लगी हुई है. तो हेयर इज द परांठा और ये मैं पहले खा चुका हूँ, सो लेट मी जस्ट अवॉइड इट बिकॉज जगह बना के रखते हैं फॉर दाल मखनी, फॉर डोंगर वाला चिकन और साथ में पिशोरी छोले. तो शुरू करें. सो आई लाइक द वे, यू नो जिस तरीके से इन्होंने अपना प्याज की और चटनी की पैकिंग जैसे शीशे की उसमें दी, और इसमें काफ़ी सिरका बच जाएगा जो आप अपने घर में बाद में प्याज डाल सकते हैं वट एवर द प्रोसेस, और वो सिरका इस्तेमाल कर सकते हैं. चटनी बहुत थोड़ी सी बस. थैंक यू वेरी मच जी. सो I eat myself, you eat your, yes. And बताते हैं कि कैसा है. I am very very excited to try the दाल मखनी. Oh same, I was about to say. मतलब ये दाल मखनी इतनी गाढ़ी दाल मखनी ना, बहुत बहुत ही टॉप की जगह है ना. Cheers करें दाल मखनी, cheers. जल्दी करो भूख लग गई. Cheers. Amongst the best dal makhnis you'll have in India. क्योंकि best dal makhnis कहाँ मिलती हैं? दिल्ली में मिलती हैं. And this is the amongst the best dal makhnis you'll have in Delhi. Believe me, super kamal, super dhamal, super swad, super gaadi. मतलब परांठे का खा के और इसका स्वाद आ गया. और ये है छोले की बारी. ये हम मैं तो बोल भी नहीं पा रही हूँ, कैसे बात कर रहे हो. You just enjoy and let. So, oh, ये कैसी बात थी? मुंह से. यार, I have to say, now I'll not be surprised by what I am eating, because I realize कि इनकी जो quality of standards है खाने के काफी ऊपर है. एंड इट इज लाइक रियली वेरी गुड. तो आई एम श्योर इसमें जो भी चीज़ें आप ऑर्डर करोगे यहाँ से बढ़िया रहेगा. आई टोल्ड यू इनका ऑलरेडी डेजर्ट की अपना जो है ऑफर चल रही है, आप डायरेक्टली कुछ भी ऑर्डर करते हो इनसे यू विल गेट अ डेजर्ट ऑन द हाउस. हाँ आई वाज जस्ट सेइंग कि रिचनेस क्वालिटी मतलब एवरीथिंग वी कैन सी एंड ईट, लाइक खा के तो पता लग ही रही है और देख के भी पता लग रही है. सो ऑल ओवर दिल्ली इनकी अपना डिलीवरीज हैं, अपना आप इनकी तीन किचन हैं, एक किचन की है आपका साउथ दिल्ली में, एक किचन इनकी वेस्ट दिल्ली में, एक किचन की नॉर्थ दिल्ली में, और डिलीवरी ऑल अक्रॉस दिल्ली है. बाकी आप इनको इंस्टाग्राम पर मैसेज भेज सकते हैं. आपके एरिया में स्विगी जोमेटो के थ्रू भी डिलीवर होता है, वहाँ पर ऑब्वियसली फ्री डेजर्ट की ऑफर नहीं होगी, बट येस यू कैन ऑर्डर फ्रॉम देयर ऑल्सो. मैं एक काम करता हूँ, मैं आपसे बात करते करते मेरे साइड में मुझे दिखाई दे रहे हैं स्पेशल इनके गुलाब जामुन है. इन्होंने बोला कि वो खाए बगैर तो आप जा ही नहीं सकते, तो वो भी खा के बताता हूँ. लेकिन फिलहाल ये बाइट खा के बता दूँ कि चिकन कैसा है, बिकॉज दिस इज द ओनली नॉन वेज, नहीं ओनली नहीं है, इससे पहले मैं चिकन टिक्का भी खाया डोंगर वाला. लेट मी जस्ट ट्राई एंड हैव दिस बढ़िया सा डोंगर चिकन दम वाला, सॉरी दम वाला मुर्गा. यार दूसरी बात, यार कौन अपने घर में खाना खाते हो और अपना उंगलियां नहीं चाटता? उस दिन जिसने लिखा डोंट लिक योर फिंगर्स, और लिख के स्पेलिंग लिखे LACK. अरे भैया स्पेलिंग मिस्टेक में कुछ नहीं कह रहा, बट यू नो खाना खाओ आराम से खाओ, उंगलियां चाट के खाओ, स्वाद का तभी तो पता लगता है. तो एक काम करते हैं, जल्दी से मैं डेजर्ट खाता हूँ और आप करी नाम से जल्दी ऑर्डर कर लीजिए, चाहे आपके घर में कोई आ रहा है, चाहे आप अपने लिए ऑर्डर करें, चाहे कोई पार्टी आपके घर पर. And I'm sure you will love the entire experience as much as we did. Hai na? Lambu? Main to khane mein dhyan de rahi hu, aap baatein karte jao.
डेजर्ट खोलो, पहले डेजर्ट खाते हैं, देन यू नो वी मूव टुवर्ड्स द खाना, वीडियो ऑफ करके खुल के खा लेंगे सब। सो दिस इज द गुड़ रसगुल्ला जी। सो दिस इज द गुड़ रसगुल्ला, लेट मी जस्ट ट्राई द गुड़ रसगुल्ला। ओहो, ये तो रसमलाई लग रही है। और आपको पता है कि मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि भैया कभी मैं बेईमान हो जाऊँ तो समझ लेना किसी ने मुझे रसमलाई की रिश्वत दी है। और ये गुड़ रसगुल्ला आई थिंक रसमलाई जैसे लग रहा है, तो यस आप मुझे इसकी रिश्वत भी दे सकते हैं। भाई कमाल, मतलब आई एम सीरियसली अमेज्ड, हाउ कैन वन प्लेस मेक एवरीथिंग सो अमेजिंग। दिस इज सुपर अमेजिंग, मतलब आई कैन जस्ट ऑर्डर दिस, है ना, सही कमाल है ना। आई कैन जस्ट ऑर्डर दिस, मतलब मिठाई की शॉप से नहीं भाई, इनसे ऑर्डर करूंगा। एंड रेट मैं आपको सबके नीचे बता रहा हूँ यार, मैं ना अभी सब खाने में फोकस है, रेट पे फोकस नहीं है, बिकॉज मैं खुद भी इंजॉय करता हूँ, जब मैं जब चाहता हूँ कि आप देखो मैं खुद भी इंजॉय करता हूँ, तो रेट मैं आपको नीचे लिख के बता दूंगा, रेट मैंने याद नहीं किया हुआ। बट हेयर लंबू छोटू नहीं लंबू छोटू नहीं लंबू छोटू सेज बाय बाय, थैंक यू, आपने हमें बर्दाश्त किया, आपने हमारी वीडियो देखी, यहाँ तक पहुँच गए, बहुत कमाल कर दिया, आपकी दाद देनी चाहिए। आई एम श्योर आपको भी मजा आया होगा, हमें तो बहुत मजा आया क्रिएट करते हुए, बहुत बहुत बहुत। और मैं सच में, मेरा अभी भी खाने में ध्यान है, प्लीज जल्दी खत्म करते हैं। सही, सो अपना ध्यान रखिएगा और अपना यस कमेंट करके बताइएगा आपको क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा। और मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह टिक्कू, प्यार से मुझे लोग मिस्टर टिक्कू भी कहते हैं। और मेरा काम है बस बाहर का खाना खाना और खाने की खट्टी मीठी कहानियाँ आप तक लेके आना, ताकि आप घर बैठे ही कहानियाँ सुन सकें और जो मैं खा रहा हूँ उसका स्वाद ले सकें। शिवराड़ा।